हाय एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो गाइस, आज हमारी वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम फ्रंट और बैक को कनेक्ट करें, जो सबका बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो थी और रिक्वेस्टेड टॉपिक था, वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो हैंड्स का जो पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा क्रॉस हो जाता है, तो इसे हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे जब हमारा फिलर एलिमेंट आ रहा है ना गाइस, तो मेक श्योर करिएगा कि जो हमारा सबसे ज़्यादा दिखाई देता है हैंड्स पे, उस पार्ट पे हमें बंच क्रिएट करना है, ताकि ब्यूटीफुल नज़र आए हमारी डिज़ाइन जब हम बैक को कवर करें तब। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिलर एलिमेंट और चेक्स की डिज़ाइन है, जिससे हम यहाँ पे कवर करेंगे तो यहाँ पे हम बंच बनाएंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा कैसे मैं बंच को क्रिएट कर रही हूँ, किस तरीके से कम्प्लीटली हम इसे जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो आप अपनी पसंद का कोई सा भी फ्लावर यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैंने हिबिस्कस फ्लावर को क्रिएट किया है, बहुत ही सिंपल एंड ईजिएस्ट वे में यहाँ पे हिबिस्कस को क्रिएट कर दिया है। वैसे जब आप आगे की साइड पे ज़्यादा कवर कर लेते हो, तो पीछे बहुत ही कम स्पेस बचता है, और इस तरीके से हाथ की डिज़ाइन जब क्रॉस हो जाती है ना, तो आप मेक श्योर करें कि जहाँ पे आपका फिलर एलिमेंट आ रहा है, वहाँ पे आप बंच क्रिएट करें, ताकि बंच और फिलर एलिमेंट ब्यूटीफुल लगे। अगर आप वापस से क्रॉस साइड बंच क्रिएट करके फिलर एलिमेंट टू फिलर एलिमेंट जॉइंट कर दोगे, तो बहुत अनइवन दिखेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं बंच को क्रिएट कर रही हूँ, और कैसे बंच क्रिएट कर रही हूँ वो भी देख सकते हो, कि ऐसा ना लगे हमारी डिज़ाइन के अलग अलग है। जब कलर आएगा हमारी डिज़ाइन में, तो डिज़ाइन कम्प्लीटली कवर नज़र आएगी, कहीं से भी कोई भी स्पेस अनइवन नहीं लगेगा, और कहीं से भी कोई भी स्पेस जो है वो खाली नहीं लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने स्पाइरल की मदद से कनेक्ट कर दिया है गाइस, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब थोड़ा इधर की तरफ हम हमारे डिज़ाइन को बना रहे हैं। सो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ वापस से स्पाइरल, आप स्पाइरल की जगह कोई और फिलर एलिमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ऑल टाइम फेवरेट लीव्स बनाएं, और देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इस तरीके से हमारा स्पेस बचा है, और काफ़ी ज़्यादा जो है हमारा पीछे की तरफ हमारी डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद भी जो है स्पेस बच रहा है। तो किस कैसे हम इसे क्रिएट करेंगे, तो देख सकते हो एंगल चेंज किया है मैंने कैमरा का, ताकि आप अच्छे से देख पाओ, थोड़ा सा ही बचा। अगर आप चाहो गाइस, तो आप डायरेक्टली भी इसे बंच से ही कवर कर सकते हो, इट्स ओके, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा फिलर एलिमेंट भी ऐड करूँगी, बिकॉज काफ़ी बड़ा स्पेस है, तो इस तरीके से फिलर एलिमेंट बना लेंगे। तो क्या होगा कि बंच फिलर एलिमेंट इस तरीके से आ जाएगा, हमारा इवन लगेगा हमारी डिज़ाइन। और यहाँ पे इस तरीके से हम क्रिएट कर रही हूँ मैं सर्कल वाले, और स्पेस को कवर कर देंगे, यहाँ पर लीव्स क्रिएट कर देंगे बाद में हम। और देखिएगा इस कितनी ब्यूटीफुली जो है हमारी बैक की साइड यहाँ पर कवर हो चुकी है, हमारी डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल नज़र आ रही है, कंप्लीट कवर हो चुकी है। अब जो हमारा पार्ट, जो हाईलाइट पार्ट है हमारा बैक साइड का, वहाँ पे आपको ब्यूटीफुल डिज़ाइन लेना मस्ट है। अगर आप वहाँ पे भी क्रॉसी डिज़ाइन क्रिएट करोगे, तो कोई मतलब ही नहीं है कि हमने इसे कनेक्ट कैसे किया। तो मेक श्योर करिएगा कि आपका वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुली बंच क्रिएट करने हैं, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो इस तरीके से हिबिस्कस को बोल्ड कर देंगे, शेडिंग क्रिएट कर देंगे, इस तरीके से कम्प्लीट करेंगे। अब यहाँ पे मैं सनफ्लावर क्रिएट कर रही हूँ, चाहो तो आप यहाँ पे हाफ सनफ्लावर को भी क्रिएट कर सकते हैं। अब लीव्स यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, जहाँ हमारी चेक्स की डिज़ाइन थी, वहाँ पे हमें इस तरीके से लीव्स को क्रिएट करना है। तो इस तरीके से हमारे फिलर एलिमेंट की तरफ पूरा जो है वो बंच आ जाएगा, आप देख सकते हो इस तरीके से थोड़ा सा। अब यहाँ पे हम हमारे और सपोर्टिव एलिमेंट्स लेंगे, हम समझे सपोर्टिव एलिमेंट्स यहाँ पर ले रहे हैं गाइस। एंड अब हम यहाँ पे वापस से हमारे शेडिंग वाले लीव्स बना रहे हैं, और अब यहाँ पे जो हमारी स्पेस बची है ना, वहाँ पे हम इस तरीके से अरेबिक का शेप लेंगे, ताकि फिलर एलिमेंट आ जाए, तो और भी ब्यूटीफुल हमारी डिज़ाइन नज़र आए। तो बताती हूँ मैं आप लोगों को किस तरीके से बना रही हूँ।
बंच को एक्सटेंड करके छोटा सा क्यूट सा फ्लावर भी हमने यहाँ पे बना लिया है गाइस। लीव्स की विंग्स बना दिए, हमारी खजूरी लीव्स बनाए हैं हमने, शेडिंग भी कंप्लीट कर देंगे। शेडिंग के बाद स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। अब आप चाहो तो इसे पूरे स्ट्रक्चर में भी क्रिएट कर सकते हो, आप चाहो तो इस तरीके से कट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे मैं फिलर एलिमेंट फिल कर चुकी हूँ, अब स्ट्रक्चर को बोल्ड कर देंगे। तो देखा आपने कि हमने किस तरीके से हमारे डिज़ाइन को कनेक्ट किया। आप कोई भी डिज़ाइन इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे बन जाता है वहाँ पे फिलर एलिमेंट फिल करने हैं आपको या चेक्स बना देने हैं, और जहाँ आगे की फ्रंट साइड आपके चेक्सेस आते हैं वहाँ पे आपको पीछे की साइड बंचेस क्रिएट करने हैं। अब हमारे बंच को, हमारे डिज़ाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे हम ब्यूटीफुल वे में। फिर हम हमारी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे हमारी पाम की ब्यूटीफुल डिज़ाइन को। तो यहाँ पे सबसे पहले शेडिंग और पूरा बंच कंप्लीट कर देते हैं। सो गाइज, यहाँ पे जो मैंने हार्ट शेप इस तरीके से क्रिएट कर दिया है, हमारा बैक साइड का भी जो पाम साइड होता है ना, उसे बहुत ही अच्छे से आपको क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एम्बोस फॉर्म में क्रिएट करूँगी इसे, ताकि पीछे की बैक साइड पे बहुत ज़्यादा अच्छे से कलर आए। तो दो फ्लावर यहाँ पे क्रिएट कर चुकी हूँ, और इस तरीके से हमारे हार्ट शेप को भी हम हाईलाइट करेंगे। हम्स और सब कुछ क्रिएट करने के बाद मैंने इस तरीके से लीव्स को बना दिए हैं गाइस। आप अपनी पसंद से अपनी चॉइस के फ्लावर्स भी यहाँ पे बना सकते हो। आप एम्बोस को भी, कटवर्क को भी, आप रोजेस की कली के साथ भी क्रिएट कर सकते हो, जो मर्जी चाहे, जैसी आपकी मर्जी गाइस, इस तरीके से आप अच्छे से बना सकते हो। आई होप गाइस आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि हमें किस तरीके से बैक को कनेक्ट करना है, फ्रंट एंड बैक को कैसे कनेक्ट करना है, वो अच्छे से मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। यहाँ पे बता रही हूँ कि आप बंच कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने हमारे बंच को इस तरीके से डॉट वाले नेटिंग चेक्स के साथ हमने इसे कनेक्ट किया है। आप चाहो तो इसे कनेक्ट ना भी करोगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन कनेक्ट किया हुआ ज़्यादा हैवी और ब्यूटीफुल लगता है। एम्बोस हम गाइस यहाँ पे बना चुके हैं इस तरीके से, थोड़े से एम्बोस बंच बनाया है हमने हम्स को लेके फ्लावर्स एंड लीव्स के साथ। इस तरीके से हमारी एजेस को हम बॉर्डर लाइन को शार्पन करें, ताकि जो हम्स है वो और हाईलाइट नज़र आए। सारी चीज़ों में हम अच्छे से शेडिंग कर लेंगे, बोल्डनेस कर देंगे, और ये वाले हार्ट शेप को हम कंप्लीट कर लेंगे।
गाइस थोड़े से और सपोर्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे मैं ले चुकी हूँ। अगर आप चाहो तो आप फिंगर के डिज़ाइन भी फिलर एलिमेंट की तरीके से बना सकते हो, या फिर जैसे मैं बना रही हूँ आप वैसे भी फिंगर के डिज़ाइन को कंप्लीट कर सकते हो आप चाहो तो। गाइस जो पाम की साइड का जो हमारे कॉर्नर का लास्ट फिंगर की तरफ का जो पार्ट बचा है वहाँ पे चाहो तो और ज़्यादा लीव एक्सटेंड कर सकते हो, बट मैंने नहीं किए बिकॉज हम यहाँ पे डिज़ाइनर मेहंदी को क्रिएट करें तो हमारी स्किन दिखना मस्ट है, तभी वो डिज़ाइनर नज़र आएगी। या फिर थोड़ा अरेबिक फॉर्म में हम लीव्स को और मदद से हमारी फिंगर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। अब सारे फिंगर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी गाइस आप बना सकते हो, हार्ट्स में जो चाहे वो अल्फाबेट आप लिख सकते हो। थोड़ा सा शेडिंग कर दिया यहाँ पे हार्ट में मैंने। एंड गाइस आप देख सकते हो मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ यहाँ पे फुल डिज़ाइन कैसे हमारी डिज़ाइन कवर हुई है हमारी फ्रंट और बैक की। आप फ्रंट वाले डिज़ाइन भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे देख ही सकते हो। सो गाइस फिंगर के डिज़ाइन यहाँ पे हम कंप्लीट कर देंगे और इसी के साथ हमारी फुल डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। और आप देख सकते हो डिज़ाइन कितनी अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल लग रही है, जब हम टिप्स को बना देंगे उसके बाद डिज़ाइन और अट्रैक्टिव लगेगी। सो गाइस लास्ट में देखिएगा कि टिप्स के साथ भी डिज़ाइन और ब्यूटीफुल लग रही है। कीप प्रैक्टिस, थैंक यू सो मच।